गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रिमझिम पाठ पुस्तक में लेसन नंबर 2 आम की कहानी चित्र कथा पढ़ेंगे। यह लेसन नंबर 2 पेज नंबर 18 में है, ठीक है। यह एक चित्र कथा है, हम इसे चित्र देखकर एक कहानी बनानी है, ठीक है। देखिए, यह एक कौवा है, पेड़ पर एक आम लटका हुआ है और एक लड़की पेड़ पर लटके हुए आम को देखकर बहुत खुश हो रही है, ठीक है। एक कौवा है, आम के पेड़ पर एक आम लटका हुआ है, एक लड़की आम को देखकर बहुत खुश हो रही है, कौवा भी आम को टकटकी लगाकर देख रहा है। देखते हैं दूसरे चित्र में क्या है। लड़की आम को देखकर बहुत खुश हो रही है और वो यह आम पाना चाहती है। नेक्स्ट चित्र में लड़की ने लड़के को आम तोड़ने के लिए कहा, गुलेल से आम तोड़ने के लिए कहा। लड़की ने लड़के को गुलेल से निशाना लगाकर आम तोड़ने के लिए कहा, ठीक है। पेज नंबर 19 में लड़के ने गुलेल से आम पर निशाना साधा। गुलेल के निशाने से आम टूटकर गिर पड़ा। लड़के ने जब गुलेल से निशाना लगाया तो आम टूट गया, गिरा नहीं है, अभी सिर्फ टूटा है, आम टूट गया। जैसे ही आम पेड़ की डाल से टूटा, कौवा जो कि टकटकी लगाकर देख रहा था आम लेकर उड़ गया। जब कौवा आम लेकर जा रहा था तो वह मधुमक्खी के छत्ते से टकराया फिर क्या हुआ? जैसे ही कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, आम उसकी चोंच से गिरकर कौवे के घोंसले पे गिर गया। कौवे की चोंच से छूटकर घोंसले में रखे अंडों पर गिर गया, ठीक है। और आम को गिलहरियों ने देखा। अब क्या हुआ देखते हैं। गिलहरी आम लेकर दौड़ गई। अब आम गिलहरी के मुंह से छूटकर दादाजी की पगड़ी पर गिरा। देखिए, यहाँ पे ये गिर रहा है और यहाँ गिर गया है। अब क्या हुआ? लड़की ने आम दादाजी की पगड़ी पर गिरा हुआ देखा। लड़की ने दादाजी की पगड़ी से आम उठा लिया। वो फिर से बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने आम को पा लिया। लड़का भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपनी गुलेल के निशाने से आम को तोड़ा और उसे लड़की को दे दिया। लड़की को वो आम मिल गया तो वो अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इस गुलेल से निशाना लगाने से वह आम लड़की को मिल गया, ठीक है। तो ये चित्र कथा हमने पढ़ी है। अब आप पेज नंबर 18
पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 कुछ चित्र को देखेंगे और इस कथा को, इस कहानी को बोलेंगे। चित्र को देख देख कर इस कहानी को जैसे मैम ने बोला है ऐसे आप बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेसन से रिलेटेड, इसी पार्ट से रिलेटेड जो अभ्यास दिया गया है अभ्यास पुस्तिका में वह करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।